चाकू से गला रेत कर युवक की हत्या करने के खेत में मिला शव। जनपद लखीमपुर खीरी कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र के ग्राम रचला बाजिदपुर में गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर खेत में युवक का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक युवक आदेश कुमार पुत्र कमलेश उम्र 22 वर्ष सुबह हेयर कटिंग के लिए घर से निकला ही था कि उसके कुछ ही देर बाद ही उसके परिजनों को सूचना मिल गई कि आपका सुपुत्र खेत में पड़ा है। जब परिजनों ने जाकर देखा तो उसके गर्दन व पेट पर चाकू से हमला हुआ है। यह देखकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं मृतक की बुआ का कहना है कि भतीजे आदेश कुमार मृतक की शादी के लिए आज लड़की देखने के लिए जाने वाले थे। आदेश वहीं पास में गन्ने के कोल्हू पर काम करता है, वहां से पैसे लेकर बाल कटवाने जाना था, लेकिन थोड़ी देर में ही इस घटना की जानकारी मिल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे के लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की सूचना सुबह तकरीबन 9:45 पर मिल गई थी। मौके पर जाकर डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कहाँ की रहने वाली है आप? जो मृतक है आप उनकी कौन है? बुआ है। क्या मामला हुआ पूरा? जब मामला हुआ, जब हम लोग दे रहे हुआ तो देखे रहे तो गन्ना में लाद पड़ी रहे तो चाकू वाकू लगे रहे। कहाँ पर चाकू लगे थे? रचेला बुझारी के बीच मृतक के चाकू कहाँ पर लगे थे? ये यहाँ बीच पर यहाँ लगे रहे। अब पेट में लगे रहे तो वहाँ ऊपर रखी रहे तो पेट में चाकू लग के हाथ बाहर आ गए। पुलिस को सूचना कब दी आप लोगों ने? अभी दे रहा है, सूचना दी पुलिस वालों को तो पुलिस वाले गए तो हम भी लेते लात उठा लाए फिर थाने ले आए। क्या कह रही पुलिस? पुलिस को कह रही कि जब समय इतना शांत दो और समय दो और देखेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है? और हमें लोगों ने जो नहीं लग रहा है खुद है कि हमें से कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम कहते कर हमको कोई सब पता नहीं है अभी, तो अब जानकारी पुलिस वाले कर सकते। अच्छा, आप लोगों ने तहरीर दी अभी? अभी नहीं दी। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए PS Live News।